बीजेपी नेताओं की अहम बैठक आज रात 8 बजे लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। अमित शाह जेपी नड्डा की अगुवाई में यह बैठक होगी। बैठक में अगले 4 चरणों के लिए रणनीति बनाई जाएगी। पूर्वांचल अवध बुंदेलखंड में बढ़त बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी और उसी कोशिश के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेतागण इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो यूपी चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज किया जाएगा। यूपी के लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी यूपी से ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, रात 8 बजे लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्या कुछ खास रह सकता है और कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे? देखिए, ये बीजेपी के लिए इस वक्त जो चरण चल रहे हैं बेहद अहम है, क्योंकि दो चरणों की बड़ी चुनौती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जी। उसके बाद से होते हुए अभी कल का जो मतदान होगा मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका होगा और इसके अलावा इटावा मैनपुरी का जी। उसके बाद से बीजेपी का पूरा जो फोकस है अब पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है। अवध और पूर्वांचल ये बेहद अहम सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बीजेपी की पहले भी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा था और इस बार भी बीजेपी को सबसे ज्यादा इसी इलाके से उम्मीद है। इसी वजह से आज की जो बैठक है इसमें तमाम ये चर्चाएं करेंगे। खुद सुनील बंसल जो प्रदेश के महामंत्री हैं संगठन के, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सारे प्रभारी, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो भी देखभाल कर रहे हैं उसमें केंद्रीय जो टीम है वो भी मौजूद रहेगी। उनकी मौजूदगी में पूर्वांचल के तमाम जो इलाके हैं उनमें कैसे प्लान होना चाहिए, उसकी रणनीति क्या है, फीडबैक क्या है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चूंकि गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुकाबले में है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर सीट और पीएम नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी की वजह से भी बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर बड़े नेताओं की है, खुद पीएम का क्षेत्र है, तो वहां पर बीजेपी चाहेगी कि बड़ी तादाद में उसकी सीटें हासिल हों। इसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि अमूमन ये कहते हैं कि जब भी चुनाव इस तरह से चलते हैं ज्ञानेंद्र जी, तो हर किसी को ये रहता है कि चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जाए, लोगों से सीधी बातचीत की जाए, लेकिन अगर बैठक का आयोजन किया जा रहा है तो वाकई कह सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि हमें बढ़त बनाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेता वो दिन भर में आज तमाम बैठ के हैं, तमाम मीटिंग्स हैं और उनमें हिस्सा लेंगे, लेकिन वो तमाम रोड शोज हैं उनको करेंगे, लेकिन ये बैठक बीजेपी के लिए अहम इसलिए भी हो जाती है जी, बीजेपी के लिए कैसे आगे की रणनीति रहेगी और क्या फीडबैक रहेगा उस पर जरूर मंथन होना चाहिए, इसकी वजह से ये बैठक आयोजित होगी। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।